भाई यहाँ पर एक से बढ़कर एक वैरायटी है। आई एम लिटिल कंफ्यूज्ड क्या खरीदूँ। मतलब अब बजट भी देखना पड़ रहा है। वैसे मैं तो लगता है सोचती रह जाऊंगी, लेकिन आज जमकर शॉपिंग करने वाले हैं स्वर्णा और चिराग। स्वर्णा यानी कि पारुल। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाते हैं कि स्वर्णा आई है अपने फियांसी चिराग के साथ आज शॉपिंग के लिए। होने वाले पति ने किया अपनी दुल्हनिया का 16 श्रृंगार। पिया के हाथों सज सजनी शर्माए बार बार। आप सभी को हैप्पी दिवाली हम दोनों की तरफ से। धनतेरस के मौके पर ये है सास बहू और सस्पेंस के साथ शादी वाली शॉपिंग पर निकली नायरा की सास। मैंने सोचा दिवाली के साथ साथ क्यों ना अपनी शादी की भी शॉपिंग कर ली जाए। जैसे कि आप सबको बताइए, बांद्रा में अनमोल ज्वेलर्स हैं जिनके वहाँ पे आज मैं आई हूँ दिवाली और अपनी शादी की शॉपिंग के लिए। अब अकेले आने का तो सेंस बनता ही नहीं है, जब भगवान ने ऊपर वाले ने जोड़ी बना दी है तो उन्हीं के साथ आना ज्यादा जरूरी है। तभी चिराग है मेरे साथ जिनका तो अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं दिवाली की शॉपिंग करने। और किस चीज की? दिवाली और शादी की शॉपिंग करने। अब देखें कितने का बिल पड़ता है। कहते हैं कि धनतेरस का दिन जब भी हम कुछ दीपावली से पहले या कभी भी हम कुछ नया लेते हैं, वो चाहे गोल्ड हो चाहे कुछ भी हो, तो अगर आज के दिन लेते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। तो हमारे लिए तो एक पंथ दो काज हो गए, शादी भी नजदीक आ रही है, तो आज के दिन जितना कोई शुभ दिन होता नहीं हमारे पास, तो हमने धनतेरस का दिन चूज किया जिस दिन हम अपनी शादी की भी शॉपिंग कर सकते हैं और दिवाली की भी शॉपिंग इसी बहाने हो जाएगी। सोने पे सुहागा। ये तो आपने एक तीर से दो शिकार किए हैं, धनतेरस का सेलिब्रेशन और शादी की शॉपिंग साथ साथ। वाह, क्या बात क्या बात क्या बात। पर जरा थोड़ा आज के ट्रेंड के बारे में भी तो बताइए। जो भी ट्रेंड चल रहा था उसमें हम ज्वेलरी गोल्ड की देख रहे थे, डायमंड की ज्वेलरी देख रहे थे, उसमें बहुत सारे डिजाइन आते थे। लेकिन जो अभी ट्रेंड आया उसमें हम देख रहे हैं कि जितने भी हमारे गॉड गॉडेस हैं उनके पिक्चर्स होते हैं उसमें पूरा उनका जो मूर्ति होती है वो बनी होती है, वो आजकल ज्यादा ट्रेंडी है। फिनिशिंग बहुत अच्छे से है, अगर आप देखेंगे तो ये तो लक्ष्मी माँ हो गई, प्लस इनके आसपास देखिए कितनी बारीकी से, बट बहुत ज्यादा बारीकी से देखेंगे तो बहुत छोटे छोटे फ्रेम्स बने हुए हैं नृत्य करते हुए, जो पुराने जमाने में जो गुफाओं में नहीं होते थे जो कलाकार बनाते थे, ये वो स्टाइल है। जो यहाँ पे भी बड़े वाले हार में भी देखिए। इस शॉपिंग स्टोरी में सांस बोर सस्पेंस से दिया एक टास्क कि पारुल के लिए आंख बंद करके ज्वेलरी सेलेक्ट करेंगे चिराग। सिलेक्शन जो भी हो बिल तो मुझे ही बनना है। हाँ ये वाला। पहले ज्वेलरी सेलेक्ट की और फिर बड़े ही प्यार से सजनी को पहनाई। पर एक कमी रह गई तो वो भी चूज कर लीजिए। जैसे कि अभी देखा आपने कि जो ज्वेलरी है वो बहुत एलिगेंट है, बहुत सिंपल है, क्लासी है, तो उसके साथ में अगर मैं नाक में थोड़ा सा भरा हुआ पहनूंगी तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा। अब पारुल बन गई थी पूरी तरह दुल्हन, लेकिन कुछ तो कमी अब भी रह गई। अभी सब तो पहन लिया है, सिर्फ मेरे हाथ खाली हैं, तो हाथों में भी पहनने जरूरी है ना, कंगन वगैरह कुछ तो चाहिए ना। तो चलिए चिराग चूज कीजिए अभी आप। या
प्रिया ने 16 श्रृंगार किया तो पारुल ने पोज देना शुरू किया। गोल्डन ज्वेलरी में लदी पारुल का ऐसा रूप निखरा कि चिराग का दिल बेकाबू हो गया। तू मेरे सामने, मैं तेरे सामने, तुझको देखूं के प्यार करूं, ये कैसे हो गया, तू मेरी हो गई, कैसे मैं एतबार करूं। एंड जब भी कुछ ऐसा स्पेशल करते हैं मेरे लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब भी स्पेशल फील करवाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अभी तक फ्रेंडशिप थी, अभी एक इसको एक हम रिलेशन का नाम देने जा रहे हैं, तो मतलब वो दोस्ती नहीं निकल पा रही है। डिफरेंट फीलिंग, मतलब एक अजीब सा, ऑफ कोर्स इट्स ब्यूटीफुल फीलिंग, लेकिन उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते वैसी फीलिंग है, लाइक मिक्स्ड इमोशंस। हमारे बीच में ऐसे कि हम लोग जब भी रहते हैं ये अपना डबल, अभी अचानक से ये कैसे हो गया, तू मेरी हो गई। मेरी शॉपिंग हो चुकी है और पैक भी हो चुकी है, अब बारी है मेरे होने वाले पति देव की, तो क्यों ना इनके लिए भी कुछ शॉपिंग की जाए। हाँ, तो आपको भी वैसे ही चूज करनी है जैसे चिराग ने की, यानी आंखें बंद करके। लगता है शॉपिंग फिनिश हो गई। ये आज के पूरे शॉपिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। नहीं नहीं, लगता है कुछ और लेना रह गया। वेट कर रही है कि कैसा मंगलसूत्र आएगा। इतने दिनों से खुद दौड़ भाग रहे हैं, ज्वेलर्स की शॉप पे जा रहे हैं देखने के लिए, कि उनको पता है कि मतलब मेरे लिए अगर चूज करना है तो सिंपल हो, क्लासी हो, तो अभी ये चिराग को बहुत पसंद आया है, जो कि है भी बहुत ज्यादा क्लासी है। मंगलसूत्र के साथ शॉपिंग फिनिश हुई तो ज्वेलरी शोरूम की तरफ से भी मिला इन्हें शादी के लिए एडवांस गिफ्ट। अनमोल की तरफ से आपकी शादी को हार्दिक बधाई। थैंक यू। आप सभी को हैप्पी दिवाली हम दोनों की तरफ से। शॉपिंग तो हो गई लेकिन डिनर सेट अभी भी बाकी थी। वेल्थ का काम तो हो गया, अब थोड़ा हेल्थ का काम करते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं प्रोटीन हाउस, तो थोड़ा हेल्दी खाते हैं। चिराग के साथ ना तीन साल से जानती हूँ, डाइट करवा के, कौन कौन सी डाइट करवा दी, कीटो से लेके सब कुछ कर लिया, जो डाइट का डी भी नहीं जानती थी, आजकल वो सिर्फ क्या प्रोटीन हाउस जगह जैसी जगह पे जाती है और वहीं से प्रोटीन 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 सैलेड प्रोटीन सैलेड ही खाती हूँ मैं भी। तो चले खाए, आ जाओ। खाना ऑर्डर करते ही आ भी गया, जिसे देखकर पारुल का मन ललचाया। कितना तो हेल्दी लग रहा है। एक्चुअली पहले मुझे हमस ज़्यादा पसंद नहीं आता था, कभी एग्जैक्टली पसंद नहीं आता था। चिराग ने जैसे टेस्ट कराया था तो मुझे हमस पसंद आने लग गया है। तो सैलड है यहाँ पे और चिकन है, और ये हमस विथ ग्रिल्ड चिकन। पहले शॉपिंग और फिर पेट पूजा, इसके अलावा कौन करना चाहेगा काम दूजा, इसलिए अभी कहना होगा अलविदा। और अलविदा कहने से पहले लेते जाइए पारुल चिराग की ये स्पेशल टिप। सिर्फ मेरा और चिराग का नहीं, मेरे से सारे एक्टर्स और सारी दुनिया का ये फंडा होना चाहिए कि अच्छा खाओ, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और दिवाली बहुत अच्छे से मनाओ। Yes, eat healthy, think healthy, live healthy. मुंबई से सुधा सिंह की रिपोर्ट।